स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र आईटीआई से डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्यमिता की विशेषताएं। तो आज हम जानेंगे कि उद्यमिता की विशेषताओं में वैसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको कि हम लोग यूज़ करके अपने लाइफ में बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन के चार मुख्य कारक होते हैं। उत्पादन का चार फैक्टर होता है, इसमें से हर एक दूसरे से जुड़ा होता है और बिना किसी एक के बाकी सभी नहीं चल सकते हैं। तो सबसे पहले है उद्यमिता, फिर है भूमि, फिर है श्रम और पूंजी। तो जब भी किसी चीज का उत्पादन होता है तो उनमें से ये चारों चीजें अवश्य होती है, तब जाकर के कोई उत्पाद बाजार में आते हैं और सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। तो उद्यमिता और भूमि, श्रम, पूंजी सब एक दूसरे के पूरक होते हैं और इनका यूज होके ही किसी उत्पाद का नवनिर्माण हो पाता है। तो अब हम समझेंगे कि उद्यमिता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न हमारे मन में अवश्य आते हैं कि कब कोई व्यक्ति जो है किसी व्यवसाय के लिए प्रेरित होता है, कब किसी व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि मुझे व्यवसाय करना चाहिए। अगर उसके मन में यह प्रश्न आ भी गया कि अब मुझे व्यवसाय करना चाहिए, तो उसमें वह साहस हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या वह साहस उससे कैसे प्राप्त होगा, साथ ही उनमें जो वो साहस है उसके बाद जोखिमों को उठाने का साहस भी जो है उसके अंदर होना चाहिए। तो यह सब प्रश्न उसके मन में आते हैं, उसके बाद वह हर प्रश्न का उत्तर जो है अपने मस्तिष्क में ले आता है, तब जाके कोई व्यवसाय को वह कर पाता है। तो इसकी विशेषताओं से उस प्रश्नों का उत्तर भी हमें मिल जाएगा। सबसे पहले है नियमित क्रिया। उद्यमिता की विशेषताओं में सबसे पहला है नियमित क्रिया, अर्थात उद्यमिता या व्यवसाय एक नियमित क्रिया होती है। आप लोगों ने वह कहावत भी सुनी होगी कि विद्या, व्यायाम और व्यवसाय निरंतर करते रहना चाहिए, तभी वह हमें फल देता है, या ऐसा कहें कि तभी वह हमारे जीवन में निरंतर बढ़ता रहता है। तो उसमें से जो यह शब्द है व्यवसाय, यह भी एक नियमित क्रिया है। आप देखेंगे कि कोई भी जो बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है, वह कोई जादू नहीं है, वह निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और दिन प्रतिदिन उनमें जो कार्य होते हैं वह करना ही होता है, अन्यथा फिर उसमें आपको प्रगति नहीं दिखाई पड़ेगी। तो एक उद्यमी को व्यवसाय में नियमित क्रिया करनी पड़ती है और इस नियमित क्रिया में वह हर भाग आता है जो कि व्यवसाय से जुड़ा होता है, जैसे कि कच्चे माल का जो निर्माण या कच्चे माल की आपूर्ति, फिर उस कच्चे माल के द्वारा उस उत्पाद का निर्माण, उस उत्पाद के निर्माण के बाद उसमें होने वाली त्रुटियों को दूर करना और उन सभी के बाद उसको अच्छे से फिनिशिंग टच देना, त्रुटियों को दूर करने के बाद फिनिशिंग के बाद जो है उस उत्पाद को फिर बाजार में लाना, उसके बाद उसको फिर उचित मूल्य पर बेचना, साथ में व्यक्तियों की या समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए निरंतर उत्पाद में नव निर्माण करना, तो ये सभी चीज़ें एक नियमित क्रिया है और तब जाकर के कोई उद्यमिता या कोई व्यवसाय जो है अच्छे से सफल हो पाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को बताया गया कि उद्यमिता जो है एक नियमित क्रिया है, या ऐसा कहें कि इसकी विशेषता है यह। दूसरे नंबर पे है उद्देश्यपूर्ण क्रिया। अर्थात उद्यमिता एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि हमेशा एक उद्यमी जो है किसी न किसी उद्देश्य के थ्रू ही उस व्यवसाय को करता है,
या ऐसा कहें कि वह जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो उसी उन्हीं लोगों से जुड़े हुए उत्पाद को वहाँ पे क्रय विक्रय कराता है या उसका निर्माण कराता है। तो यह एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है और हर एक व्यक्ति जो है समाज में रहता है तो उसे निरंतर कुछ ना कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ते रहती है। तो जितने भी उद्यमी होते हैं वह सोचते हैं कि क्यों ना अच्छा और सस्ता और कुछ नया जो है उत्पाद बाजार में लाया जाए जिससे कि लोग भी उसकी तरफ आकर्षित हों और फिर उनका व्यवसाय अच्छा चले। तो यह उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, एक एम लेकर के काम होता है, एक टारगेट पर काम होता है, तब जाकर के कोई उद्यमिता आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक गतिविधि। सृजनात्मक का अर्थ होता है रचनात्मक, अर्थात कुछ नया करना। तो आप देखेंगे कि जितने भी विकासशील देश है वह विकसित देशों की जो है कॉपी करते रहते हैं या वह किन किन कार्यों को करके जो है विकसित हुए हैं उन चीज़ों को वह भी अपनाते हैं और फिर उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कुछ परिधान की ही बात करें, कुछ कपड़े की ही बात करें, जब भी आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि उनमें कुछ नया नया जो है ग्राफिक, कुछ नया नया डिजाइन, कुछ नया नया तरीके से जो है उस कपड़े को आकर्षक बनाया जाता है ताकि आपका ध्यान उस पर पड़े और आप साथ में यह भी देखते हैं कि वह कितना दिन टिकाऊ है, फिर उसके मूल्य क्या है। तो ये सभी चीज़ों से यह पता चलता है कि एक उद्यमी जो होते हैं वह लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार नव निर्माण करते रहते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करते रहते हैं, रचनात्मक कार्य करते रहते हैं ताकि लोग आकर्षित हो सके और उनके उत्पाद को खरीद सके। ऐसा बाजार में हर उत्पाद में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए उद्यमिता की विशेषताओं में इस पॉइंट को भी अवश्य रखा गया है कि आप सृजनात्मक गतिविधि करते रहिए, रचनात्मक कार्य करते रहिए ताकि उत्पाद में नए नए चीज़ों, नए नए उत्पाद का वहाँ पे आपका समावेश हो सके और लोग उस व्यवसाय से निरंतर जुड़े रहे। नेक्स्ट है जोखिम उठाना। यहाँ पे जोखिम उठाने का जो पॉइंट है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले समझिए कि व्यवसाय में जोखिम होता है या नहीं होता है। तो व्यवसाय में 100% जोखिम होता है कि जब भी आप कोई व्यवसाय करते हैं तो सबसे पहला सवाल यह मन में उठता है कि वह व्यवसाय हमारा सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाजार में आपके तरह बहुत सारे व्यवसायी हैं और एक उद्यमी उन व्यवसायियों के साथ एक प्रतिस्पर्धा करते रहता है। तो यह जोखिम मन में रहता है कि वह उस उत्पाद को लेकर के सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इनमें से जो बेसिक्स हैं वह क्या है कि आप जब भी कोई व्यवसाय करते हैं जिनमें कि चार कारक होते हैं, सबसे पहला जो उद्यमिता था, फिर उसके बाद भूमि, फिर श्रम, फिर पूंजी। तो इनमें से जब आप किसी भी व्यवसाय को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो भूमि शब्द है, अर्थात अगर आपके पास स्वयं की भूमि है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किराए पर लेते हैं, तो उनमें से भूमिदार जो होते हैं, भूमि के मालिक, उनको आप किराया देते ही देते हैं चाहे आपका व्यवसाय आगे सफल हो अथवा ना हो। तो यहाँ पे एक जोखिम है कि अगर आपका व्यवसाय सफल नहीं भी हुआ तो आपको किराया देना पड़ेगा। साथ में जो उसमें आपके व्यवसाय में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं आपको उनको भी पहले से जो निर्धारित वेतन है वो देना ही होता है ताकि कर्मचारी निरंतर कार्य कर सके। उसके बाद जो आपकी पूंजी है वह भी आपने एक फिक्स या निश्चित निवेश की है जिससे कि आपका व्यवसाय में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तो ये हर पॉइंट मिलाकर यह बताया गया है कि एक तरह से पूर्व निर्धारित हर तरह से निवेश है, लेकिन उससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि यह 50-50% पे रहता है कि सारे काम तो सुचारू रूप से हो जाएंगे लेकिन जो उद्यमी है उन्हें लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो वह फिर भी उस साहस से जो है व्यवसाय में आता है कि हाँ समय के अनुरूप जो है धीरे धीरे लाभ होगा ही होगा। तो एक प्रकार का ये जोखिम है जो कि एक साहसी व्यक्ति ही उठा सकता है, और उद्यमी का गुण भी है कि उसे व्यवसाय के प्रति जो है साहसी होना चाहिए, हिम्मतवार होना चाहिए, ताकि वह फिर निरंतर कुछ ना कुछ हानियों से उबरते हुए भी फिर लाभ की ओर जाए। अगर वह एक दो हानि के बाद ही जो टूट जाएगा तो फिर वह व्यवसाय फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। तो ये सभी विशेषताएं जो है ये उद्यमिता की विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं को अपनाकर ही आप किसी व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में उद्यमिता की विशेषताएं ही हैं, आगे की जानकारियां लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।